अगर किसी ने तुम्हें सलाम किया तो तुम्हारे दिल में क्या बात होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ ये कि मुसलमान है बट क्या है, मोमिन है। और मोमिन आपको पता है अला दर्जे की चीज़ है। और आप उसकी शक्ल को ना देखें, उसकी वजाकता को ना देखें, औरत है तो ये ना देखें कि पर्दा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, बंदा है तो ये नहीं कि टोपी पहनी है कि दाढ़ी पहनी है कि यू नो कहाँ मुलाकात हुई, एयरपोर्ट में मुलाकात हुई, ऑफिस में मुलाकात हुई। उसने अगर आपको सलाम किया तो आपके दिमाग में पहली बात जो आए कि ये मोमिन है। जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक है ये मोमिन है, इसे हुस्नुज़्ज़न कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको समझा दूँ, जब आप किसी को सलाम करते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो इस सलाम के अंदर एक वादा है कि आपकी तरफ से इस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और आपकी तरफ से आपके दिल में आपके ख्यालात में इस इंसान के बारे में कोई बुरे ख्यालात नहीं है। आपके अंदर इसकी तरफ सलाम है, उस पर सलामती हो, अल्लाह ताला की तरफ से हो, फरिश्तों की तरफ से हो और आपकी तरफ से भी है। इस बात का आपने दावा किया जब आपने क्या कहा है, अस्सलामु अलैकुम। और जब उस शख्स ने कहा है वालेकुम अस्सलाम, तो फिर उसने भी किस बात का दावा किया, जैसे आपके एहसास आते हैं वैसे ही मेरे एहसास आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि अजीब सी बात है, हमारे यहाँ सलाम ठीक से नहीं कहते ना लोग, सलामकुम सलामकुम सलाम, समझने की कोशिश कीजिए अस्सलामु अलैकुम। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे कारी बन के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है अस्सलामु अलैकुम भी कह दें कोई बात नहीं, जल्दी में कह दें, पूरा आइन आपकी हलक से नहीं निकलता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसका जो लाम है ना सलाम का अस्सलामु अलैकुम, वो लाम तो रख लो यार, वो लाम ज़रा ज़रूरी है। क्योंकि अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना जब, तो एक और कलाम है। यहूद जो है वो पता है ना आपको, कुछ कुछ अल्फाज थोड़े थोड़े से बदल के अच्छी बात को बुरी बात बना देते थे। आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, लानत हो आप पे। क्या कहा तुमने? नहीं मैं तो अस्सलामु अलैकुम। कहते क्या थे? अस्सलामु अलैकुम। फिर एक दफ़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला को गुस्सा आ गया, वअलैकुम अस्सलाम व लानतुल्लाह। उन्होंने भी कहा तुम पर भी हो लानत और उसके ऊपर मजीद लानत। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह को रोका, कहा बस कहा करो वअलैकुम। अब उसकी हिकमत भी समझ लें, जब रसूल साहब ने कहा तो क्या कहा, क्या कहा करो, तुम पर भी, ये नहीं कहा तुम पर लानत भी, क्या कहा, तुम पर भी। अब तुम पर भी कहने से क्या हुआ, हो सकता है कि उसने वाकई सलाम किया हो सकता है, ये भी मुमकिन है। हो सकता है उसने जल्दी में लाम ना कहा हो बीच में, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसकी नीयत खराब है, उसकी भी नीयत नहीं जान सकते, तो फिर बेहतरी यह है कि कम से कम क्या कह दो, तुम पर भी। अगर इतना ही अंदेशा है तो बस इतना कह दो तुम पर भी, बस ये हिकमत है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाकी आइए हमारी तरफ, हम एक दूसरे से सलाम करते हैं। जब आप यहाँ दर्स ख़त्म करके आप घर जाएंगे, घर जाके हो सकता है बेगम को ज़रा गुस्सा आया हुआ है, आज आप घर आए, उन्होंने कहा सलाम अलैकुम, कहा सलाम अलैकुम, फिर आपने कहा वालेकुम सलाम, यानी कुछ और कहने की ज़रूरत ना पड़ी, सलाम के अंदर ही पता चल गया उन्हें गुस्सा है और आपके वालेकुम सलाम से पूरी तरह अंदाज़ा हो गया कि आपको भी गुस्सा है। ये गलत है, इसे कहते हैं लिमा तकुलूना मा ला तफालून। वो कहते हैं कि वो जो करते नहीं हो, जो कह रहे हो कहने में क्या है, कोई झगड़ा नहीं, कोई बुरी फीलिंग नहीं। इसीलिए मुसलमान को कहा है कि 3 दिन ना गुजरें दूसरे को सलाम कर लिया करें। क्या मतलब है? सुलह कर लिया करें। ये नहीं कि आपका किसी से झगड़ा है लेकिन मैं बहुत सुन्नी आदमी हूँ, 3 दिन बाद मैं उसको वॉइसमेल छोड़ दूंगा अस्सलामु अलैकुम। ये मकसद नहीं है दीन का। मकसद क्या है कि तुम सुलह करो भाई, सलाम कहने में ही सारी सुलह है।